नमस्कार दोस्तों, रियल केसरी एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग इस वक्त जो है वैदेशिक आर्थिक नीति पर चर्चा कर रहे हैं, और इसके पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने जो भुगतान संतुलन का अध्ययन किया था। भुगतान संतुलन के अंतर्गत जो है व्यापार खाता, चालू खाता और पूंजी खाते के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ था। अब हम भुगतान संतुलन से निपटने के लिए कुछ उपाय बताए थे, और उन्हीं उपायों के अंतर्गत जो है रुपये का अवमूल्यन और रुपए के अवमूल्यन और इसके साथ साथ जो है हम लोगों ने रुपए का किस तरीके से विदेशी मुद्रा और अन्य मुद्राओं में किस तरीके से परिवर्तन होता है, तो रुपए के अवमूल्यन के साथ साथ जो रुपए के परिवर्तनीयता पर चर्चा करेंगे, यानी कि रुपए का अवमूल्यन और रुपए की परिवर्तनीयता, रुपए का अवमूल्यन और दूसरा है जो है वो रुपए की परिवर्तनीयता, परिवर्तनीयता कन्वर्टिबिलिटी, रुपए का अवमूल्यन और रुपए की परिवर्तनीयता। इसको हम लोगों ने जब भुगतान संतुलन से निपटने के कुछ उपाय पर चर्चा कर रहे थे, तो उसके अंतर्गत इन दो अवधारणाओं की चर्चा किया था। तो इन दोनों अवधारणाओं को थोड़ा सा विस्तार में हम लोग जो देखने का प्रयास करेंगे, जिससे इससे संबंधित अवधारणा स्पष्ट हो सके और इससे पूछे जाने वाले जो है परीक्षा के सभी सवाल को आप लोग हल कर सके। तो रुपए का अवमूल्यन, अब यहां सबसे पहले हमें जो है अवमूल्यन का मतलब जो है समझना है। रुपए का अवमूल्यन का मतलब रुपए का अवमूल्यन है, और पहले हम अवमूल्यन को समझ लेंगे। दो शब्द है, एक अवमूल्यन है, एक अधिमूल्यन है। अगर किसी वस्तु का मूल्य जो है सापेक्षिक रूप से किसी समय जो है घटा दिया जाए तो उसे अवमूल्यन कहा जाएगा। अब यहाँ पे मैंने शब्द बोला सापेक्षिक, इसका तात्पर्य यह है कि अगर किसी एक टाइम पर जो है किसी एक डेट में किसी वस्तु का मूल्य अगर 20 रुपए है तो उसको घटा करके जो है 17 रुपए कर दिया जाए या 15 रुपए कर दिया जाए, तो क्या इसे कहा जाएगा कि सापेक्षिक रूप से यानी कि पहले की तुलना में अब कम हो गया, तो ये हो गया अवमूल्यन। इसी तरीके से अधिमूल्यन है जो कि उसी समय पर जो है पहले जो था उसके अपेक्षा उसके मूल्य को बढ़ा दिया जाए, तो ये कहा जाएगा कि सापेक्षिक रूप से पहले से इसका मूल्य अब बढ़ा दिया गया, जिसे अधिमूल्यन कहा जाएगा। इसे विलोम शब्द भी बनता है, परीक्षा में ये भी सवाल भी पूछे जाते हैं, अवमूल्यन और दूसरा होता अधिमूल्यन। तो ये अवमूल्यन और अधिमूल्यन का अर्थ जब स्पष्ट हो गया, तो रुपए का अवमूल्यन जब हम बात करेंगे, तो चूंकि रुपए के जब अवमूल्यन की बात की जाएगी तो वहां पर यह कहा जाएगा कि सापेक्षिक रूप से रुपए का मूल्य जो है कम कर दिया गया। अब ऐसे तो रुपए का जो मूल्य है, जैसे किसी भी जो करेंसी की नोट है उसमें 20 रुपए लिखा है तो उसका मूल्य 20 रुपए ही होता है, तो अभी यहां पे यह समझना है कि ये कैसे अवमूल्यन हो जाता है। जब हम इसके पूर्व में भुगतान संतुलन पढ़ रहे थे तो वहां पर यह देखा कि वस्तु और सेवाओं का जो है एक देश से दूसरे देश में जो है क्रय विक्रय किया जाता है, यानी कि किसी देश से जो है सेवा ली जाती है या उसको सेवाएं वस्तुओं के जो है निर्यात किए जाते हैं। तो चूंकि अलग अलग देशों की मुद्रा अलग अलग है, तो हम अपने देश की मुद्रा में तो भुगतान कर नहीं सकते, ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित मुद्रा में जो है उसका पहले बदलाव किया जाता, परिवर्तन किया जाता, देन उसका जो है भुगतान किया जाता है। तो इस तरीके की जो व्यवस्था होती है वो परिवर्तनीयता की श्रेणी में आती है। लेकिन जब हम एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन करते हैं तो उसका एक मानक होना चाहिए कि किस तरीके से वहां का मुद्रा अगर हम लेते हैं और अपने रुपए को देते हैं तो उसमें किस अनुपात में, किस मानक में जो है हम डॉलर को या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किसी मुद्रा को प्राप्त करेंगे, तो उसी के सापेक्षिक रूप में जो है ये व्यवस्था आती है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो वो ये कहा जाता है कि महंगी हो गई है, और उसके एक डॉलर या एक पाउंड या एक किसी भी प्रकार के जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मुद्रा को लेने के लिए हमें ज्यादा रुपए जो है देना पड़ता है, तब यह कहा जाता है कि रुपया सस्ता हो गया है, यानी कि हमें रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक जो है डॉलर और जो है यहां पे 70 रुपए, तो अब अगर किसी समय विशेष पर यह स्थिति है और मार्केट में परिवर्तन आता है
और एक डॉलर को लेने के लिए अब हमें अगर जो है यहाँ पे 73 रुपए देना पड़ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वही एक डॉलर प्राप्त करने के लिए पहले जहां हम 70 रुपए देते थे, अभी उसी डॉलर को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, 73 रुपए देना पड़ रहा। यानी कि हम रुपए अब ज्यादा दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि रुपए का मूल्य घटा है, रुपया सस्ता हुआ, क्योंकि हम जो 70 रुपए में प्राप्त करते थे अब उसी 73 में प्राप्त कर रहे हैं। काम हमें क्या करेगा, ये एक ही डॉलर देगा। और पहले अगर एक डॉलर में जो है हमें एक डॉलर में अगर कोई भी एक विशेष यूनिट जो है, एक यूनिट सामान हमें विदेश से प्राप्त करते थे, तो अर्थात अब क्या हुआ कि पहले वो 70 रुपए में मिलता था, अब वही जो है वो 73 रुपए में मिलेगा। यानी कि रुपए का मूल्य यहाँ पर कम हो रहा है, रुपया जो है सस्ता हो रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रुपए का और मूल्य का, लेकिन ये तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की बाजार की दशाओं के आधार पर होता है, लेकिन कभी कभार नीतियों के अंतर्गत सरकार के द्वारा इस तरीके का निर्णय लिया जाता है और वहां पर रुपए का जो है मूल्य सापेक्षिक रूप से अन्य मुद्राओं की तुलना में घटा दिया जाता है। अभी ये भी देखा जाएगा कि उसके क्या प्रभाव होते हैं और क्यों ऐसा किया जाता है। तो वह स्थिति जो है रुपए का अवमूल्यन कहलाता है, और ये रुपए का अवमूल्यन जो है एक सोची गई व्यवस्था के अंतर्गत देश की जो इकोनॉमी है, देश में जो निर्यात आयात के जो स्तर हैं, उनको ध्यान में रखते हुए निर्णय के अंतर्गत जो है, पॉलिसी के अंतर्गत जो किया जाता है, तब वही स्थिति रुपए का अवमूल्यन कहलाता है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है अन्य देश के मुद्रा के मूल्य में जानबूझ करके किसी देश के मुद्रा के मूल्य को कम कर दिया जाना ही रुपए का अवमूल्यन कहलाता है। रुपए का अवमूल्यन यहां पे उसे कहा जाता है, रुपए का अवमूल्यन। भारत में अगर देखा जाए तो रुपए का अवमूल्यन जो है 1949 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में और 1900 जो है ये 91 ईस्वी में, यहां से सवाल भी अब तक जो है प्रारंभिक स्तर की जो है पीसीएस की परीक्षा या वनडे टाइप के अन्य एग्जाम या जीएस के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जहां भी जिस भी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, वहां से सवाल ये जो है वो पूछा जाता है। यानी कि अब तक 3 जो है वर्षों में रुपए का अवमूल्यन किया जा चुका है। अब यहां पे ये समझना होगा कि क्यों किया जाता है, चूंकि इसके पूर्व में हम भुगतान संतुलन की बात कर रहे थे, तो बेसिकली जो मुख्य कारण होता है वो भुगतान संतुलन की ही होती है, या इसे आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर लंबे समय से स्थिरता जैसी स्थिति है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है और सरकार को ऐसा लगता है या देश की जो पॉलिसी मेकिंग एजेंसी बॉडी है उनको लगता है कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए, अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़नी चाहिए, तो वहां पे कुछ इस तरीके की नीतियां जो है बनाई जाती हैं जिससे हमें जो है निर्यात को बढ़ाने में जो है आसानी हो, विदेशी मुद्रा जो प्राप्त हो सके और हम अपने जो बैलेंस है, जो भुगतान संतुलन की स्थिति है कि देश में जो निर्यात, देश में जो आयात हो रहा है और देश से जो निर्यात हो रहा है उसके अंतर को जो है पाटा जाना संभव हो सके, कम करना संभव हो सके या उसे बराबर किया जा सके। तो इन्हीं नीतियों के चलते जो है यह रुपए का अवमूल्यन किया जाता है। अब जैसे रुपए का अवमूल्यन अगर कर दिया जाता है तो हमारा निर्यात जो है बढ़ जाता है, निर्यात जो है वो बढ़ जाता है। अब रुपए का अवमूल्यन अगर कर दिया जाता है तो यही स्थिति जैसे हम लोगों ने पहले बात किया कि रुपया वहां पे जो है ज्यादा देना पड़ता है किसी एक डॉलर को या किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की मुद्रा को जो है खरीदने के लिए। अर्थात जब विदेशी कोई भी व्यक्ति जो है सामान भारत से खरीदना चाहेगा तो उसे कम डॉलर में जो है उतना सामान मिल जाएगा। जैसे मान के चलिए कि अगर वो जो है 70 रुपए की पहले उसको आवश्यकता होती थी और एक डॉलर में मिल जाता था, और अब चूंकि एक डॉलर में जो है अब एक डॉलर में 73 रुपए मिल रहा है और उसे भारत से कोई ऐसा सामान खरीदना है जो 70 रुपए में मिलता है, अर्थात जो है अब वह जो है एक डॉलर खर्च करेगा, उसमें उसको वस्तु भी मिल जाएगा और उसके पास जो शेष होगा वो शेष जो है वो 3 रुपए उसके पास बस भी जाएगा, जिससे वो जो है कोई अन्य वस्तु खरीद पाएगा। या यूं कहा जाए कि अगर वो 70 ही रुपए की उसको आवश्यकता होगी तो एक से कम डॉलर उसको खर्च करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि भारत की वस्तु जो है वो सस्ती हो जाएगी,
विदेशी कॉन्टेक्स्ट में या अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में जिससे वह व्यक्ति जो है या विदेशी जो उद्योगपति है या कोई बाहर का कंट्री है यहां से लेना चाह रहा है सामान, तो उसे जो है कम अपने मुद्रा को खर्च करके उतने ही सामान प्राप्त होगा। और चूंकि सस्ता जब हो जाएगा जो है वस्तु, तो उसकी मांग बढ़ जाएगी यानी कि निर्यात बढ़ जाएगा, और जब निर्यात बढ़ जाएगा तो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मुद्रा प्राप्त होगी जिससे हम अपने आवश्यकता की वस्तुओं को खरीद पाएंगे। तो इस तरीके से यह कहा जाता है कि रुपए का अवमूल्यन होने से निर्यात बढ़ जाता है। अब दूसरी तरफ निवेश बढ़ जाता है। सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है निवेश किया जाता है किसी उद्योग के लगाने में, किसी उत्पादन की प्रक्रिया में जो है, इन आधारों पर अगर देखा जाए तो निवेश क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि अगर कोई उद्योग स्थापित करना चाह रहा है, कोई उत्पादन शुरू करना चाह रहा है, तो उसे यहां पर जो है श्रम की आवश्यकता होगी, कच्चे माल की आवश्यकता होगी। और चूंकि रुपया जो है वो सस्ता हो गया है और उतने ही रुपए को खरीदने के लिए चूंकि उसे कम डॉलर देना पड़ रहा है, तो कोई भी विदेशी कंपनी जो है ये चाहेगी कि हम कम खर्च करके उतना ही उत्पादन प्राप्त कर ले। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की कच्चे माल और अन्य जो है आवश्यक सामग्री उसे सस्ते दरों पर प्राप्त होगी, और ऐसी स्थिति में जो है वह व्यक्ति जो है यहां पर निवेश करना चाहेगा। तो इस तरीके से कहा जाए कि निर्यात भी बढ़ जाता है और निवेश भी बढ़ जाता है, दोनों ही किसी देश के लिए जो है अच्छे संकेतक होते हैं। और तीसरी तरफ यह है कि आयात जो है वो घट जाता है, आयात जो है वो घट जाता है। अब सीधी सी बात है, दोनों में ही जो है उल्टा संबंध है। आयात घट जाता है का मतलब यह है कि चूंकि विदेशी मुद्रा उस समय जो है रिलेटिवली सापेक्षिक रूप से जो है महंगा होगा, यानी कि हमें किसी भी सामान को खरीदने के लिए अब ज्यादा रुपए देना पड़ेगा। जैसे कि किसी भी जो है सामान को जब हम खरीदते थे पहले, तो एक डॉलर के सामान के लिए पहले 70 रुपए देते थे, अब उसी डॉलर को खरीदने की एक डॉलर को ही पाने के लिए अब हमें जो है 73 रुपए देना पड़ रहा है। यानी कि अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो एक डॉलर का कोई भी वस्तु पहले 70 रुपए मिल जाता था, अब उसे वो 73 रुपए में प्राप्त। यानी कि विदेशी वस्तु जो है हमें महंगी प्रतीत होगी, और जब महंगी प्रतीत होगी तो हम उसे कम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे या कम आयात करने का जो है प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से आयात यहाँ पर जो है घट जाता है। और इसी तरीके से आप यह कह सकते हैं कि डंपिंग जो गतिविधियां होती हैं, डंपिंग पे भी जो है नियंत्रण पाने में जो है मदद मिलती है। डंपिंग का मतलब यह हो जाता है, जिसे कहते हैं ना कि किसी सामान को डंप कर दिया जाना है ना। और डंप किसको किया जाता है, जो सामान एक्स्ट्रा होता है या बहुत उपयोगी नहीं होता है या काम चलाऊ टाइप के इस तरीके की होती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में बात किया जाए एंटी डंपिंग और डंपिंग की, तो वहां पे ऐसे वस्तुओं के संदर्भ में बात आती है जो कि आउटडेटेड होते हैं, अप्रचलित होते हैं, कम महत्वपूर्ण होते हैं, कम उपयोगी होते हैं, तो कुल मिलाकर के वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जो है महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, या अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को गति प्रदान करने में उनका बहुत रोल नहीं होता है। तो ऐसे सामानों के जो है आने में भी जो है वो रोक लगाता है, डंपिंग पर रोक लगाने का जो है काम करता है, क्योंकि जब बाहर से वो आएगा तो वही सेम स्थिति होगी कि जो है महंगाई के कारण से जो है वो आएगा नहीं, और देश में वो डंपिंग की स्थिति जो है उत्पन्न नहीं होगी। तो ये बात हो जाती है जो है निर्यात, निवेश, आयात और डंपिंग। लेकिन एक जो इसका निगेटिव जो इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई जो है वो बढ़ जाती है, महंगाई इसीलिए बढ़ जाती है जैसा कि आपने देखा आयात के संदर्भ में कि कोई भी सामान चूंकि यहाँ पे जो है जब हम बाहर से नहीं आएगा और हमें अपने देश की वस्तुओं पर ही जो है पूरी तरीके से निर्भर होना होगा, तो वहां पे जो है पूर्ति कम और मांग ज्यादा हो जाएगी, बढ़ भी जाएगा, मुद्रा स्फीति भी इसी से जो है कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होगी। मुद्रा स्फीति का कॉन्सेप्ट होता है मुद्रा के मूल्य से होता है, चूंकि उस समय विशेष पर मुद्रा का मूल्य घट रहा है तो उसे मुद्रा स्फीति की समस्या जो है बढ़ेगी। तो ये विशेष रूप से जो है देखा जाए तो इस तरीके के जो है प्रभाव वहां पर दिखाई पड़ेंगे।
और इस कारणों से जो है कुछ हद तक लाभ भी होता है और कुछ मामलों में जो अर्थव्यवस्था में सावधानी की भी अपेक्षा होती है। तो रुपए का अवमूल्यन का अर्थ हम लोगों ने देखा, कारण देखा, और इस तरीके से ये सारे जो है प्रभाव उसमें जो है दिखाई पड़ते हैं। तो ये रहा जो है रुपए के अवमूल्यन के बारे में चर्चा। हम लोग जो है रुपए की परिवर्तनीयता को थोड़ा सा देख लेते हैं। रुपए की परिवर्तनीयता यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में वस्तु और सेवाओं के जो है क्रय करने पर जो है किसी भी देश की जो मुद्रा या भारत के संदर्भ में रुपए को अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो मुद्रा या विशेष रूप से डॉलर में जो है परिवर्तन की जो या बदलने की जो व्यवस्था होती है उसे ही जो है रुपए की परिवर्तनीयता कहा जाता है। रुपए की परिवर्तनीयता के लिए समय समय पर नियम भी बनते रहे हैं, उसके स्वरूप अलग अलग होते हैं, उसके मात्रा के आधार पर प्रकार भी जो है बताए जाते हैं। तो आंशिक होता है और दूसरा जो है पूर्ण होता है। आंशिक का मतलब यह होता है कि कुछ प्रतिशत तक जो है परिवर्तनीयता उसमें जो है नहीं होती है या किसी देश विशेष के द्वारा बनाए गए नियम के अंतर्गत होता है, और उसके अलावा शेष जो है वो मांग और पूर्ति के आधार पर तय होता है। तो यहां पर यह कहा जाता है एक साथ दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें परसेंटेज होता है, कहीं 50-50 है, कहीं 50-40 है, कहीं 70-30 है। इस आधार पर जो है ये आंशिक परिवर्तनीयता हो जाता है। और पूर्ण परिवर्तनीयता का तात्पर्य है कि जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं सेवाओं को मंगाते हैं या जो है भेजते हैं यानी कि आयात या निर्यात किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में देशी जो यानी कि अपने देश की जो है मुद्रा है और विदेश की मुद्रा अंतरराष्ट्रीय स्तर की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है और स्वतंत्र रूप से जो है किसी स्तर पर जाके रुकती है, तो वह पूर्ण परिवर्तनीयता होती है। इसमें समय समय पर किसी देश की जो है मुद्रा सस्ती भी होती है और कहीं कहीं पर जो है वो महंगी भी होती है, क्योंकि हम लोग सामान्यतः जो है समाचारों में सुनते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विनिमय बाजार में जो है भारत की जो मुद्रा है रुपया डॉलर की अपेक्षा सस्ता हुआ या महंगा हुआ, सामान्यतः सस्ता होने के भी जो इसमें ट्रेंड जो है वो दिखाई पड़ते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने ये देखा कि आंशिक परिवर्तनीयता और पूर्ण परिवर्तनीयता। आंशिक परिवर्तनीयता नियम के अंतर्गत नियंत्रित होती है और पूर्ण परिवर्तनीयता में जो है घरेलू जो मुद्रा है वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के अंतर्गत जो बदलाव की जो व्यवस्था होती है और मांग और पूर्ति के शक्तियों के द्वारा जो है निर्धारित होती है और इस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता, इसीलिए इसे जो है पूर्ण परिवर्तनीयता जो है कहा जाता है। यानी कि जब मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो है मुद्रा के लेन देन में किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य स्वयं निर्धारित होता है तो वह पूर्ण परिवर्तनीयता की स्थिति जो है कहलाता है। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 1991 के जो पूर्व की बात है वो आरबीआई के द्वारा बनाए गए नियम के अंतर्गत जो है इसकी परिवर्तनीयता होती है। लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए कि 1991 से भारत में नई आर्थिक नीति या उदारवादी नीति या सुधारवादी नीति आप कह सकते हैं अपनाया गया। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पे कुछ बेसिक परिवर्तन जो है दिखाई पड़ते हैं। इसके अंतर्गत जो है 1992 ईस्वी में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली को जो है अपनाया गया। 1992 ईस्वी से उदारीकृत विनिमय दर उदारीकृत जो है विनिमय दर जो है प्रणाली को अपनाया गया। इसे जो है दोहरी विनिमय दर प्रणाली भी जो है कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो वस्तुओं के आयात निर्यात पर वस्तुओं के आयात और निर्यात के संदर्भ में जो परिवर्तनीयता थी उसे 60% जो है अंतरराष्ट्रीय मार्केट के आधार पर और 40% आरबीआई के द्वारा बनाए गए नियम के अंतर्गत जो किया जाता है, इसीलिए से दोहरी विनिमय दर जो है प्रणाली के नाम से भी जो है जाना जाता है, जिसे उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली हम लोग कह रहे हैं। यानी कि यह 1992 ईस्वी में प्रारंभ किया गया और 60% जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर और 40% जो है वो आरबीआई के द्वारा बनाए गए नियम के अंतर्गत, चूंकि दो प्रकार की व्यवस्थाएं एक साथ रन कर रही थी इसीलिए इसको दोहरी विनिमय दर प्रणाली के नाम से जाना गया 1992 ईस्वी में। और यह था किसके बारे में, वस्तुओं के संदर्भ में, और ये जो था वो वस्तुओं के संदर्भ में था, अर्थात जो है वस्तुओं का तात्पर्य ये जो है वो व्यापार खाते पर था, ये व्यापार खाते पर था।
व्यापार खाते पर था। तो कहने का मतलब है कि 1992 ईस्वी में व्यापार खाते पर जो आयात निर्यात या लेन देन शुरू हुए वह जो है आंशिक रूप से परिवर्तनीय बना दिए गए, वह जो है आंशिक रूप से परिवर्तनीय बना दिए जाते हैं। यह 1992 ईस्वी में जो है आंशिक रूप से जो है बना दिए गए। 1993 ईस्वी में आकर के जो है इसे जो है 60 और 40 के रेशियो को जो है समाप्त कर दिया जाता है। अब इसे समाप्त करने के कारण से जो है यह पूर्ण परिवर्तनीय हो जाता है। कौन सा खाता? व्यापार खाता जो है आपका पूर्ण हो जाता है, जो कि वस्तुओं के जो है व्यापार से जो है संबंधित होता है, जिसे कि 1991 ईस्वी में जो है आंशिक रूप से बनाया गया था। 1994 में जो है आकर के 1994 में यानी कि 1993 ईस्वी में जब इसे पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया, तो जो चालू खाता था वह वहां से आंशिक रूप से जो है वो परिवर्तनीय हो जाता है, क्योंकि वस्तु चालू खाते में वस्तु और सेवाएं दोनों सम्मिलित होती हैं। तो वस्तुओं पर चूंकि पूर्ण परिवर्तनीय हो गया और सेवाएं अभी उससे बाहर थी, तो सेवा और वस्तु दोनों होने के कारण से चालू खाता आपका 1993 ईस्वी में जो है आंशिक हो गया। क्या हो गया? चालू खाता, चालू खाता आंशिक हो गया। लेकिन 1994 ईस्वी में आकर के जो है चालू खाते को भी जो है वो पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया। अब इसकी कहानी इस तरीके से बनती है कि 1992 ईस्वी में व्यापार खाते को आंशिक बनाया गया, 1993 ईस्वी में इस व्यापार खाते को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया, और जैसे ये पूर्ण परिवर्तनीय हो जाता है वैसे ही जो है चालू खाता जो है आपका वो आंशिक रूप से जो है परिवर्तनीय हो जाता है। और इस आंशिक परिवर्तनीयता की व्यवस्था को 1994 ईस्वी में पूर्ण परिवर्तनीयता में बदल दिया जाता है। तो एक वर्ष में आंशिक शुरू होता है, दूसरे वर्ष में जो है वो आंशिक पूर्ण हो जाता है, और जब वो पूर्ण हो जाता है तो अगला खाता चालू जो है आंशिक होता है, और अगले वर्ष में इसे भी जो है पूर्ण परिवर्तनीयता बना दिया जाता है। यानी कि 3 वर्षों में जो है जो हमारे व्यापार खाते थे और चालू खाते थे इसको पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया। अब रही बात जो है पूंजी खाते के परिवर्तनीयता के संदर्भ में बात, पूंजी खाते की परिवर्तनीयता, पूंजी खाते की जो है परिवर्तनीयता, पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर अध्ययन करने के लिए 2006 ईस्वी में तारापुर समिति का गठन किया गया। यह सवाल भी परीक्षा में पूछा गया है। तारापुर समिति बनाई गई थी और इसने अध्ययन किया और 3 चरणों में जो है पूंजी खाते को परिवर्तनीय बनाने के लिए जो है अपनी संस्तुति प्रस्तुत की। यानी कहने का मतलब यह है कि पूंजी खाते को परिवर्तनीय बनाने के लिए हमें बेसिकली ये जानना आवश्यक है कि यहाँ पे तारापुर समिति का गठन किया था, और जो समिति की रिपोर्ट थी अगर उसको फैक्ट में देखा जाए और निष्कर्ष के रूप में बताया जाए, तो उन्होंने जो है रिकमेंडेशन दिया कि 3 चरणों में धीरे धीरे करके पूंजी खाते को जो है वो परिवर्तनीय बनाया जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में जो है इसे परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है, और उसको बनाने के लिए जो है देश की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, बैंकिंग सिस्टम है, और जो देश के बैंकिंग से संबंधित या इकोनॉमिक गतिविधियों से संबंधित स्टैंडर्ड हैं वह जो है पूर्ण होने चाहिए, तभी इसे परिवर्तनीय बनाया जा सकता है। अन्यथा किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होगी, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से उसे जो है कभी कभी जो निपटना और गुजरना पड़ सकता है। इस कारण से जो है पूंजी खाते को जो है परिवर्तनीय नहीं बनाया जा सका है। अब तभी बनाया जा सकता है जब देश की जो बैंकिंग व्यवस्था अत्यंत मजबूत हो, देश की राजकोषीय जो घाटा हो 3% से आगे न जाए, और देश में जो आर्थिक गतिविधियों की जो व्यवस्था है वो IMF के द्वारा बनाए गए मानक को जो पूर्ण करता हो। तो चूंकि भारत भी कहीं ना कहीं विकासशील देशों की श्रेणी में है और इन सभी मानकों पर भारत अभी खरा नहीं उतर पा रहा है, लेकिन सुधार बढ़ रहे हैं, राजनीतिक स्थिरता है, लोकतांत्रिक और आर्थिक संस्कृति स्वस्थ दिशा में आगे बढ़ रही है, तो आने वाले समय में इसमें जैसे जैसे सुधार होगा हम लोग इस दिशा में आगे जो है बढ़ेंगे। तो यह रही कुल मिलाकर के परिवर्तनीयता की जो है एक कहानी जो है हम लोगों ने पूरी तरीके से देखा, और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज कुछ ना कुछ क्लियर हुई होंगी। एक सिस्टमेटिकली हमने बताया आप लोगों को, थोड़ा सा एक दो बार और अध्ययन अगर करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज आप लोगों की तैयारी इसमें जो हो जाएगी।
तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है अर्थव्यवस्था के वैदेशिक आर्थिक नीति के अंतर्गत भुगतान संतुलन के बाद रुपए की परिवर्तनीयता और रुपए के अवमूल्यन टॉपिक को स्पष्ट करने का जो प्रयास किया। तो अन्य विषयों के साथ साथ आप इस विषय का जो अध्ययन करते रहिए। पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।